अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू टू माई चैनल साइकोलॉजी गाइड। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसर्च एंड वॉट इज साइकोलॉजिकल रिसर्च। आई एम गोइंग टू टेल यू वट इज रिसर्च। वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च, रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे so as to generate new concepts, methodologies and understanding. जब हम वर्ड रिसर्च को देखते हैं, अगर आप इस वर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और आप री और सर्च को सेपरेट करें, तो हमें पता चलता है रिसर्च मीन्स कि किसी टॉपिक को दोबारा स्टडी करना। क्यों दोबारा स्टडी करना? फॉर द न्यू नॉलेज, फॉर द न्यू आइडियाज, न्यू मैथडोलॉजीज के बारे में जानने के लिए, न्यू अंडरस्टैंडिंग या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारे माइंड में किसी टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में जो है मिसकंसेप्शन या डाउट्स होते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम रिसर्च के थ्रू इन तमाम टॉपिक्स को, डाउट्स जो हमारे माइंड में होते हैं किसी टॉपिक को लेकर, हम उसको क्लियर कर सकते हैं, अगर आप कहें तो। उसके अलावा जो साइकोलॉजी में हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च की जब हम बात करते हैं, अगर आप वर्ड साइकोलॉजिकल रिसर्च पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च, ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल रिसर्च कौन कंडक्ट करेंगे? साइकोलॉजिस्ट विल बी कंडक्टेड द साइकोलॉजिकल रिसर्च। और आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं। हम साइकोलॉजिकल रिसर्च में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भी स्टडी कर सकते हैं या एक सिंगल पर्सन को भी हम स्टडी कर सकते हैं। हमारा साइकोलॉजिकल रिसर्च का हमें पता है कि हमने रिसर्च तो करनी है, बट द मेजर क्वेश्चन इज दैट कि विच मेथड वी विल यूज। रिसर्च करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड को सेलेक्ट करने के लिए हमें टाइप्स ऑफ डेटा को देखना पड़ता है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए। हमें रिजल्ट्स क्वालिटेटिव डेटा में चाहिए या हमें रिजल्ट्स क्वांटिटेटिव डेटा में चाहिए। जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव डाटा की, क्वालिटेटिव डाटा में हमारे पास हमेशा रिजल्ट्स आते हैं ऑब्जर्वेशंस की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, क्योंकि द वर्ड क्वालिटेटिव किससे निकला है? क्वालिटी से निकला है। जबकि हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की, तो क्वांटिटेटिव डाटा में हमारे पास रिजल्ट्स हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है, एक सिंगल डिजिट में आता है, एक सिंगल वैल्यू में आता है, क्योंकि द क्वांटिटी, क्वांटिटी से मुराद ही मकदार होता है। अगर आप उसको उर्दू में क्वांटिटी का मीनिंग देखें तो उसका जो मीनिंग है वो है क्वांटिटी, किसी चीज़ की मकदार, एक नंबर, वैल्यू, डिजिट। इसी तरह अब डिपेंड करता है कि हमें क्वालिटेटिव डाटा चाहिए या हमें क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए। अगर हमें क्वालिटेटिव डाटा चाहिए होता है तो हम उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, और हमें रिजल्ट्स अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में या सिंगल डिजिट में चाहिए होता है तो उसके लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो करते हैं। अब हमारे पास साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ रिसर्च में सबसे पहले हम क्वालिटेटिव मेथड को देख रहे हैं। क्वालिटेटिव मेथड में हमारे पास जो है वो आता है सबसे पहले केस स्टडी। व्हाट इज केस स्टडी? मैं आपको बता दीजिए बेटा, केस स्टडी जो है हमारा पहला क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में हमने केस स्टडी के अंदर एक पर्सन को भी हम स्टडी कर सकते हैं और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी स्टडी कर सकते हैं। जो केस स्टडी की मेन करैक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि हमने लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए एक पर्सन को या एक ग्रुप को स्टडी करना होता है। वाई फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम? लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमें उनकी लाइफ में, उनकी बर्थ से लेकर, अगर वो जिंदा हैं, अलाइव हैं, और वो लाइफ के जिस फेज में या जिस एज में है, वहाँ तक हमने उनकी लाइफ के तमाम एस्पेक्ट को स्टडी करना होता है कि उनकी लाइफ में कौन कौन से मेजर चेंजेस आए या कौन कौन सी चेंजेस जो हैं उनकी लाइफ में। अगर हम एक पर्सन की लाइफ को स्टडी करें तो उसके लिए हम जो है दो तीन चार महीने में स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि हमें काफ़ी लंबा अरसा चाहिए होता है, काफ़ी ईयर्स चाहिए होता है, क्योंकि हमने इन डेप्थ जो है वो स्टडी करनी होती है। आपको पता है कि केस स्टडी में जब हम पर्सन की लाइफ को स्टडी करेंगे तो हमें रिजल्ट्स पिक्चर की फॉर्म में मिलेंगे, सिंबल्स की फॉर्म में मिलेंगे, ऑब्जर्वेशंस की फॉर्म में मिलेंगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में या न्यूमेरिकल डिजिट में रिजल्ट नहीं आएगा। और आपको मैंने भी बताया था कि बेटा साइकोलॉजिकल रिसर्च में जब हम करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है हम करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हमें पता चल सके कि जो हमारी थ्योरीज हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज मिली है, थ्योरीज डेवलप हुई हैं, हम उस थ्योरीज की नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव डाटा।
क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें रिजल्ट्स हमेशा आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में ही मिलते हैं हमारे पास केस स्टडी में डाटा. क्योंकि देखें, जब हम केस स्टडी की बात करते हैं, हमारे पास केस स्टडी में डाटा हमेशा पिक्चर्स की सूरत में आता है, सिंबल्स की सूरत में आता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में कभी भी नहीं आता. क्योंकि नंबर्स हम किसी की लाइफ को कैसे दे सकते हैं. एक